अगर आपने इस वीडियो को थंबनेल देखकर स्टार्ट किया है कि 10 वेस्ट के बदले में एक फ्री पिज्जा आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि ये ऑफर जो है ये सिर्फ गुजरात की दो सिटीज के लिए, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर, इन दोनों के लिए ही सिर्फ वैलिड है, बाकी ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। स्टिल आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि कुछ चीजें जो है वो ऑफर से ऊपर उठ के होती है और वो आप लोगों की जानकारी के लिए होनी चाहिए, काफी हम लोगों के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस टॉपिक पे मैं कई दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था बट मैं नहीं बना पाया कई सारे रीजंस की वजह से, बट आज मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाते हैं। तो भाई इसमें मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बहुत तरहों से हम लोगों के सोसाइटी को, हम लोग के एनवायरमेंट को हेल्प कर रहा है। और मैं इस ऐप को आगे बताने से पहले सबसे पहले एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूं कि आपको अगर कहीं से भी ये लगेगा कि ये वीडियो पेड है या स्पॉन्सर्ड हो तो आप गलत हैं। ये कहीं से भी पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और ये बात मैं इसलिए भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो सच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगेंगी, बट अगर आप उसको पेड से कनेक्ट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों को वो चीज़ें खराब लगने लग जाए, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज से लगभग 4-6 महीने पहले जाने अनजाने में ही मैं एक ऐप के मतलब मुझे बारे में पता चला जो कि था recycle.green, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी है और वो प्ले स्टोर के अलावा वेबसाइट भी है, बट प्ले स्टोर पे वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, ऑफर्स उसके मेनली प्ले स्टोर वाले ऐप पर ही मिलते हैं। और इसके बारे में अगर आप चैनल पे लगातार हैं तो उस समय मैंने एक ऑफर भी बताया था, उस समय मुझे ऐसा लगा था जब मैंने उस ऑफर को बताया था कि ऑल इंडिया वैलिड है, बट बाद में पता चला कि भाई ऑल इंडिया वैलिड नहीं है। तो यहां पर क्या है कि अभी आज से 2-3 महीना पहले, जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं उससे 2-3 महीना पहले, एक यूजर ने मुझे इसके बारे में बताया कि भाई वो वहां पर गुजरात के उन दो सिटीज में से ही एक सिटीज में रहते थे वो यूजर, तो उन्होंने ये बताया कि भाई वहां पर एक ऑफर चल रहा है इस ऐप पर ही कि आप 10 वेस्ट अपने घर का अगर आप देते हैं तो आपको एक फ्री पिज्जा मिलेगा। अब वहां पर उन्होंने भाई क्या किया था, इस जो ऐप का नाम बता रहा हूं, उन्होंने बड़े बड़े से पोस्टर भी वहां पर लगवाए थे, बड़ी भी होर्डिंग्स भी लगवाई थी। अब ये दो ही सिटीज के लिए ओनली अवेलेबल है। तो भाई मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जाके अंदर देखते हैं, तो भाई मेनली ये ऐप काम करता है आपके जो वेस्ट होते हैं, मेनली जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको वहां पर इकट्ठा करता है, प्लास्टिक ही नहीं बहुत तरह के जो भी वेस्ट होते हैं बट मेनली प्लास्टिक वाला आप समझ के चलिए, तो वो वेस्ट को वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसके बदले में आपको कुछ ऐसा सामान दे देता है जिससे कि आप उनको प्लास्टिक वेस्ट अपना दे दें और उस प्लास्टिक वेस्ट को वो भी रिसाइकिल करके या जो भी यूज करके वो उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से मतलब एक तरह से रिसाइकिल कर देते हैं उसको। तो अब यहां पर भाई फायदा ये है कि यूजर्स को फायदा ये होता है कि भाई उनके पास तो वेस्ट है, वो मतलब क्या करता है कई बार कचरे में फेंक देते हैं तो उससे एनवायरमेंट को नुकसान होता है, और वो क्या करते हैं उसके बदले में कहते हैं भाई आप हमें दे दीजिए, इसके बदले में आपको एज अ रिवॉर्ड हम आपको कुछ चीजें दे देंगे, और कहीं ना कहीं यूजर को भी बेनिफिट होता है, वो उसको दे देते हैं। देखिए एक चीज आप इसको समझिए कि जाने अनजाने में हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, प्लास्टिक वाले आइटम्स हम लोग लाते ही हैं, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, और इसको जब हम लोग किसी भी तरह से फेंक देते हैं या कहीं भी, तो उससे एनवायरमेंट को नुकसान भी होता है, चाहे हम लोग किसी भी तरह चाहे जाने अनजाने में करें या कैसे भी करें नुकसान जरूर होता है। तो इस तरह का मैं इस ऐप को, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि कुछ चीजें ऑफर से ऊपर उठ के होती हैं, इसका रीजन ये है इसको बताने का कि बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करने का सोचते हैं, तो मेरा मतलब कहना यह है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं या आपके मन में कोई आइडिया है, कोई नया काम करने का अगर आप सोचने जा रहे हैं, तो इस तरह के आइडिया को आपके दिमाग में एक बार अगर आप सोचें तो मेरे ख्याल से यह काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है सभी लोगों के लिए, और यह आपके ऊपर है खैर आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक यही ऐप है, ऐसे बहुत सारे होंगे, बट मुझे इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मैं स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब मैंने 4-6 महीने पहले जब इस ऐप के बारे में बताया था तब भाई इसमें सिस्टम ये था कि आप कुछ अपना वेस्ट आप हमको दीजिए, उसके बदले में हम लोग आपको कुछ सामान दे देंगे, जैसे आपको डायरी दे देंगे, कोई यहाँ पे कैरी बैग दे देंगे या फिर आपको पेन दे देंगे, बहुत सारे आप लोगों को वहां पर मिलेंगे जो प्लास्टिक से बने हुए नहीं होते, कपड़ों के बने हुए होते हैं, पेपर से बने हुए होते हैं, ये सारी चीजें आपको दे देंगे। बट अभी जब पिज्जा वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया ना, वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई भी आदमी लाएगा ना तो वो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, कहीं पे भी अगर इस चीज को स्टार्ट किया जाए तो सबसे ज्यादा लोगों को भाई 10-20 अगर प्लास्टिक के वेस्ट आपके घर से आपको कोई कह रहा है भाई दो उसके बदले में आपको एक पिज्जा दे देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे लगता है कि कोई भी इस चीज के लिए रेडी हो जाएगा, इसलिए मेरे को काफी ज्यादा इनोवेटिव ये चीज लगी और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐप के बारे में भी बता देता हूं, आप ऐप के अंदर जाते हैं तो वहां पर स्टिल आपको पिज्जा वाला पोस्टर दिखाई देगा, मैं श्योर नहीं हूं कि ऑफर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा, बट ऑफर का पोस्टर जरूर आपको दिखाई देगा अभी भी वहां पर, आप उसके अंदर क्लिक
क्लिक करते हैं तो वहां पर आपसे बोलेगा कि आप कौन सा प्लास्टिक वेस्ट देना चाहते हैं। वहां पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, शायद सेलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं क्योंकि मेरी सिटी में है नहीं तो मैंने उसको अवेल नहीं किया है। वहां पर आप प्लास्टिक अपना सेलेक्ट करते हैं, वेस्ट सेलेक्ट करते हैं, आप पिज्जा आपको स्टोर पिकअप पे सेलेक्ट करना पड़ता है, स्टोर से जाकर पिज्जा आपको कलेक्ट करना रहता है और काफी बड़े साइज का पिज्जा होता है वो, तो उसको आप कर लेते हैं, आप स्टोर पिकअप से पिज्जा जाके ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर पिज्जा नहीं लेना चाहते हैं तो वहां पर कई सारे अदर भी आपको ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर आपका ऑप्शन होता है कि आप प्रोडक्ट परचेस करिए और आप जो उसकी पेमेंट होगी वो आप वेस्ट से करिए, मतलब आपको पैसा पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत तरह के वेस्ट वहां पर अवेलेबल आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे जो भी प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं आपके घर में, चाहे वो जैसे आपके घर में सपोज मिल्क के पैकेट आते हैं, दूध के पैकेट आते हैं, उसकी जो वेस्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं, कांच की बॉटल्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के वेस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई वेस्ट होता है तो आप उसके बदले में उसका पे कर सकते हैं। हर तरह के प्रोडक्ट की वहां पर कॉस्ट लिखी होती है कि पर केजी कितना, सपोज आपके घर में न्यूज़पेपर आता है वो भी वेस्ट वहां पे वो लोग ले लेते हैं, तो उसकी भी एक वहां पे लिखी होती है कि वैल्यू कितनी है, कितने रुपए केजी में हम लेंगे उसको। तो सपोज आपने एक 100 रुपए का आइटम परचेस किया, उसकी पेमेंट अगर आप यहां पर देना चाहते हैं वेस्ट से, तो वहां पे कई सारे वेस्ट लिखे होते हैं, कचरा मतलब लिखे होते हैं किस तरह का वेस्ट आप देना चाहते हैं। सपोज आप न्यूज़पेपर देना चाहते हैं तो अगर 10 रुपीज पर केजी, सपोज अगर एक एग्जांपल बता रहा हूं, 10 रुपीज पर केजी अगर वहां पर उसकी वैल्यू है तो आपको 10 केजी वेस्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका 10 केजी वेस्ट के बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है, इसके अलावा एक ये भी है कि आप वेस्ट अभी दे दीजिए, आपको बाद में प्रोडक्ट लेना है तो भी ले सकते हैं, मतलब कि आप वेस्ट अभी दीजिए और बाद में प्रोडक्ट ले लीजिएगा। या फिर एक ये है कि आपको कुछ नहीं लेना, आपको डोनेट करना है जस्ट वेस्ट को, तो भी आप वहां पर उसको दे सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा कि यूजर को भी अट्रैक्ट कर रहा है, यूजर को भी मतलब आप एक तरह से फ्री शॉपिंग करवा रहा है उनके वेस्ट के बदले में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट को आप अपने कचरे मतलब कि आप बेच सकते हैं, जाहिर सी बात है, बट ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जो उसके बदले में किसी प्रोडक्ट को देना, पिज्जा को देना, ये मुझे काफी ज्यादा इनोवेटिव लगा। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। आपकी सिटी में हो सकता है ये ऑफर ना हो तो वो अलग चीज है, बट ये एक चीज अच्छी थी काफी। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया मुझे बताने का काफी मन कर रहा था तो मैंने आप लोग को बताया, शेयर किया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। आपकी सिटी में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या आप इस कॉन्सेप्ट से कितना रिलेट करते हैं, आपको कैसा लगा, ये सारी चीजें आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इन दोनों सिटीज में ही रहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं, मतलब आप नहीं भी रहते तब भी इंस्टॉल कर लीजिए, बट अगर आप रहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करके और आप इन वाले ऑफर्स को अवेल भी कर सकते हैं। और मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, जब मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में इस ऑफर को बताया था, कुछ लोगों ने इस ऑर्डर को बुक भी किया था और उन्होंने बताया कि भाई जो डिलीवरी देने के लिए जो बंदा आया वो भी इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल से ही आया, मतलब पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई डीजल पेट्रोल भी नहीं, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो डिलीवरी करने भी आए थे, ये बताया था जब उन्होंने डिलीवरी मतलब कुछ लोगों ने जब वहां पर बुकिंग की थी तब। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये सारी चीजें। इस तरह की वीडियोस मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को देने की, होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप शेयर भी कर सकते हैं किसी और को भी इस वाले वीडियो को, अगर आप इस तरह का कोई स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये आइडिया आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।